हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी में तो अभी तक कुछ दिनों से दो तीन दिन से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी तो सॉरी फॉर दैट क्योंकि अभी कुछ इश्यूज चल रहे थे तो अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है डेली करेंगे और रोज़ जब तक आपके एग्जाम तक जो है वीडियोस मैं अपलोड करूँगा और आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव हो सके और आप जो है अच्छा स्कोर करो अपने एग्ज़ाम में तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आज का जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स सिनोनिम्स का मतलब होता है कि समानार्थी मतलब कि समान मिलते जुलते शब्द जो होते हैं किसी वर्ड के तो हम लोग जो है उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे सिनोनिम्स की और ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और साथ ही साथ जो भी आपके मतलब यहाँ पे जो सिनोनिम्स के वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी आपको न समझ में आ रही होगी उसको मैं हिंदी आपको समझाते चलूँगा साथ ही साथ और आप लोग एक काम करना है कि साथ ही साथ इसका जो है ना आप अगर नोट्स बनाते चल रहे तो आई थिंक आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि अभी मैं इसकी जो हिंदी बता जो बच्चे में हिंदी मीडियम से हैं अगर उनको भी जो मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ तो अगर शायद वो नोट करते चलेंगे तो उनको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी ऐसे तो आप भूल जाओगे एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो अगर आप इसको चाहते हो कि लंबे टाइम तक चीज़ें आपके लिए आपके माइंड में स्टोर रहे हैं सब तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लो इसको नोट करना स्टार्ट कर दो जो जितने भी आज मैं लगभग पच्चीस तीस जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको तो इनको नोट कर लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में क्या है एवंडन एवंडन का देखो जो हिंदी में मतलब होता है इसका मतलब होता है कि छोड़ देना क्या इसका मतलब होता है छोड़ देना तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसका आपको मिलता जुलता मतलब समानार्थी शब्द आपको बताना है अबेंडन का जो नीचे चार ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है इसका अबेंडन का क्या होगा सिनोनिम्स होगा उसको आपको बताना है तो सबसे पहला जो ऑप्शन क्या है गिव अप और उसके बाद क्या है फोर्स सी है क्या है रिजेक्ट एंड डी क्या है एक्सेप्ट तो फर्स्ट का क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा गिव अप गिव अप का देखो मतलब ही होता है कि आप कोई काम कर रहे हो आप उस काम को करने में अनेबल हो तो आप उसको क्या करते हो छोड़ देते हो कोई काम तो ऐसे एबंधन का क्या मतलब होता है छोड़ देना और अप का मतलब भी क्या होता है छोड़ देना तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक्विटेड इसका जो हिंदी में मतलब होता है इसका मतलब होता है कि विमुक्त होना अगर मैं बोलूँ तो मतलब क्या विमुक्त या फिर बरी होता है तो देखो विमुक्त होना या बरी होने का मतलब मैं अगर आपको समझाऊँगी एग्जाम्पल के थ्रू जैसे जो कोर्ट होता है कोर्ट मान लो किसी अगर अपराधी को उसके खिलाफ जब मुकदमा चल रहा है तो जब उसके खिलाफ एविडेंस नहीं होते हैं तो क्या करता है उसको कोर्ट जो है बरी कर देता है उस केस से तो वही जो एक्विटेड है एक टर्म जो है वहाँ से आया है तो इसको वहीं यूज किया जाता है तो अब आपको बताना है कि इसका समानार्थी जो शब्द क्या है सिनोनिम्स तो पहला क्या है बिलीव्ड एंड सेकेंड uh, क्या है रिलीज सी क्या है फ्री एंड डी क्या है इमप्रजेंड तो इसका जो है सेकेंड का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी होगा रिलीज रिलीज का मतलब भी क्या होता है मुक्त तो होना होता है उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है एम्बिशन एम्बिशन का मतलब होता है कि महत्वाकांक्षा क्या होता है महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा का मतलब कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या आप किसी से कोई उम्मीद रख रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं एम्बिशन ऑप्शंस क्या क्या हैं अर्ज डिजायर स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड ग्रेड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी होगा स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब आप किसी से बहुत ज्यादा जो है उम्मीद आप कर रहे हो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एन आरची का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है अराजकता क्या इसका मतलब होता है अराजकता अब ऑप्शंस देखते हैं इसका पहला क्या है थिफ्ट एंड बी है बी क्या है इसका जो मतलब क्या है बर्गरली इसका मतलब होता है कि सेंध मारना ठीक है किसी चीज़ में तो क्या मतलब इसका होता है सेंध थर्ड क्या है वॉर एंड डी क्या है लॉलेसनेस तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी होगा लॉलेसनेस इसका भी मतलब वही होता है कि अराजकता होता है इसका भी सही मतलब वही होता है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है एनहिलेट इसका मतलब होता है कि संहार करना क्या इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है संहार करना आप जान लो संहार का मतलब कि किसी चीज का जैसे सत्यानाश कर देना उसको खत्म कर देना तो एनहेलेट का मतलब क्या होता है संहार होता है तो इसका जो क्या होगा सिनोनिम्स रोइन डिस्ट्रॉय डिस्ट्राय फुली एंड फाइट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो कौन सा ऑप्शन सी होगा डिस्ट्रॉय फुल्ली किसी को एकदम मतलब पूरी तरह से जो है खत्म कर देना उसके बाद क्वेश्चन नंबर एलेवन क्या है एक मिनट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है अपॉलजी अपॉलजी का मतलब क्या होता है क्षमा याचना किसी चीज़, चीज़ को लेकर आप माफ़ी मतलब आप अगर उसको माफ़ी मांगते हो या फिर अपॉलजी का मतलब आप उस, उसको लेके अगर आप अपना जो गलती को एक्सेप्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं अपॉलजी तो क्वेश्चन इसका क्या ऑप्शन देखते हैं कौन क्या क्या है तो पहला क्या है एमेंट्स बी क्या है पार्डन सी है एलगी और डी क्या है मर्सी तो क्या होगा जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे बी होगा पॉर्डन पॉर्डन का मतलब भी होता है क्षमा याचना किसी से प्रार्थी एंड सेवेंथ क्या है अटैक अटैक का मतलब है किसी पे आप आक्रमण कर देना तो ऑप्शंस क्या क्या है असॉल्ट बीट फाइट एंड इन्वेजन तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे डी होगा इन्वेजन इन्वेजन का है मतलब आक्रमणकारी होता है घुसपैठी या आक्रमणकारी किसी तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या है बैनिश इसका क्या मतलब होता है निर्वासित होना है, तो इसका जो है ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्या है पहला क्या है ऑप्शन एक्साइल बी क्या है एक्सपेल डी सी क्या है डिसमिस एंड डी क्या है टर्न आउट तो क्वेश्चन नंबर एट का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे एक्साइल और इसका क्या मतलब था निर्वासित होना निर्वासित अब अगला क्वेश्चन क्या है बिलीफ तो बिलीफ का जो है क्या होगा? सिलीजियन ट्रस्ट बिलीफ एंड जिलीफ तो क्वेश्चन नंबर नाइन का क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा क्या होगा ट्रस्ट भरोसा अगला क्वेश्चन है बेनिफिट। बेनिफिट का जो होगा क्या होगा यूज मिस यूज एडवांटेज एंड प्रॉफिट तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी होगा एडवांटेज अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे अगला है ब्रेव ब्रेव का मतलब क्या होता है बहादुर होता है तो इसका जो है ऑप्शन क्या क्या है फियरलेस सोल्जर हीरो एंड बोल्ड तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो है कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा क्या होगा बोल्ड अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बिल्ड बिल्ड का मतलब क्या होता है मेक कंस्ट्रक्ट लॉस एंड गेन तो जो बिल्ड का मतलब क्या होता है बनाना है कंस्ट्रक्शन करना किसी चीज़ का आप किसी चीज़ को जब बनाओ तो उसको क्या बोलते हैं बिल्ड करना तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो है सही ऑप्शन क्या होगा बी होगा कंस्ट्रक्ट बिल्ड और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो सेम ही होता है तो क्या होगा ट्वेल्व का बी ऑप्शन जो है सही होगा अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है कोलिशन uh, कोलिशन का मतलब क्या होता है गठबंधन क्या होता है गठबंधन मतलब कि जब कई सारे लोग मिलकर एक साथ एक समूह बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं कोएलिशन बोलते हैं जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं तो उसमें क्या करती हैं कई सारे पार्टीज मिलकर कोएलिशन करती हैं एक, एक गठबंधन बनाती हैं फिर जाके वो क्या करते हैं इलेक्शन को लड़ती हैं तो वही यहाँ पर क्या है कोएलिशन अब ऑप्शन देखते हैं क्या है? क्या, है? क्या है पहला क्या है यूनाइटेड बी क्या है कोऑपरेटेड एंड सी क्या है कम्बाइंड एंड डी क्या है ज्वाइंट तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो है सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा थर्टीन का सी होगा कंबाइंड कंबाइंड का मतलब क्या होता है आपस में जुड़ना अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या है चेस्ट तो इसका क्या मतलब होता है सी एच ए एस टी है इसका मतलब होता है पवित्र क्या होता है पवित्र अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में गुड फेथफुल ओबीडियंट एंड प्योर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो है सही ऑप्शन क्या होगा डी होगा प्योर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है कमांड कमांड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करता है आदेशित करना तो ऑप्शंस क्या क्या है ऑर्डर फाइट वॉर ओबे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ऑर्डर एंड सिक्सटीन क्या है कंपैशन कंपैशन का मतलब क्या होता है करुणा मतलब दया क्या होता है करुणा ठीक है तो ऑप्शन क्या क्या हैं पिटी मर्सी काइंडनेस एंड क्या है ट्रूथफुलनेस तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो है कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो है वो कौन सा होगा बी होना चाहिए मर्सी ठीक है मर्सी का मतलब क्या होता है दया होता है करुणा एक ही मतलब होता है यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का वो बी होगा मर्सी एंड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं सेवनटीन क्या है कंपनीज कॉम्प्रिज का मतलब होता है कि जैसे शामिल करना बनना तो ऑप्शन क्या क्या है कॉम्पैक्ट यूनाइट कंसिस्ट एंड कंटेन तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही ऑप्शन उप, क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए सी होगा कंसिस्ट कंसिस्ट का मतलब भी होता है क्या बनना अब क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं क्या है कंसील कंसील का मतलब क्या होता है छिपाना या हाइड कह सकते हो इसको? ठीक है क्या मतलब छिपाना तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन क्या होगा देखो हाइड इसमें दिया भी है क्वेश्चन नंबर एटीन का क्या होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा हाइड मतलब क्या छिपाना या उसकी कंसील का मतलब भी क्या होता है छिपाना अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बोला है कन्फेस कन्फेस का मतलब क्या होता है कबूल करना एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को क्या इसका मतलब होता है कबूल करना है मतलब किसी चीज़ को आप इसे कोई आप मान लो गलती करते हो उसको अगर आप गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो कबूल कर रहे हो अपनी गलती जो भी आपकी हो तो उसको क्या बोलते हैं कन्फेस अब आपको क्या करना है कन्फेस का हमें यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है इससे मिलता जुलता क्या कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको इससे मतलब कन्फिस को एक्सप्लेन करता हो उसका मतलब उसका उससे मिलता जुलता वर्ड हो तो ऑप्शन देखते हैं पढ़ते हैं एक बार ऑप्शन क्या क्या हैं तो ऑप्शन क्या क्या हैं क्या है इन सर्कल एडमिट Imprison एंड प्रोफिस तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे बी होगा एडमिट मतलब कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो स्वीकार कर रहे हो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर क्या है ट्वेंटी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या है कांग्रीगेशन तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है इसका हिंदी में आपको अगर इसका मतलब मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है मंडली ठीक है क्या मतलब हैं मंडली तो मंडली का मतलब देखो यही होता है कि जैसे आप कोई कई लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं ना कुछ मतलब कोई जैसे कोई चैरिटी का काम का का कोई लो, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग एन में काम करते हैं जो लोग तो एक अपना मतलब ग्रुप बनाते हैं मंडली बनाते हैं कॉन्ग्रेशन करते हैं तो उसी के थ्रू क्या करते हैं वो चीज़ों कामों को करते हैं तो उस, क्या वही यहाँ पे क्या है कॉन्ग्रिगेशन तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार तो पहला क्या है असेंबल असम्बल बी क्या है यूनिटी एंड सी क्या है यूनियन एंड डी क्या है कोऑपरेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए होगा क्या होगा असेंबलीज मतलब क्या करना है यूनाइट होना इकट्ठा होना और एक ग्रुप बनाना अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कॉन्करर इसका अगर मैं आपको हिंदी में मतलब अगर मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है जीतना ठीक है क्या मतलब इसका जीतना तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शंस हैं विन है विक्ट्री है एंड ट्रम्पस है क्या नहीं ट्रम्प क्या है ट्रम्प है एंड डिफीट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो है ट्वेंटी फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है इसका यहाँ पे सी होगा क्या होगा ट्रायम्फ। इसका मतलब भी क्या होता है विन होता है जीतना होता है अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है ट्वेंटी टू क्वेश्चन ट्वेंटी टू में क्या है कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट का जो मतलब हिंदी में मतलब होता है संतोष होता है मतलब कि आप जैसे आपको जो चीज़ें मिली है आप उसमें क्या हो आप खुश हो आपको संतोष मतलब उस चीज़ से मिला है तो क्या यही क्या है यहाँ पे कंटेंटमेंट मतलब संतोष अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहें चारों ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं उसमें से क्या है एक इसका जो है सिनोनिम्स है अब उन ऑप्शन को पढ़ते हैं एक बार पहला क्या है प्रॉफिट मतलब क्या फ़ायदा प्रोग्रेस कंसोलेशन एंड सेटिस्फैक्शन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसका क्या होगा यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस में से उनमें से जो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डी होगा सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है संतुष्ट होता है मतलब कि आप किसी चीज से क्या सेटिस्फाइड हो संतुष्ट हो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में क्या है करज करज का मतलब क्या होता है साहस होता है अब ऑप्शंस क्या क्या हैं वॉलर ब्रेव सोल्जर एंड heroism. तो 23 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे 23 का जो है यहाँ पे जो अगर मतलब अगर मैं, मैं आपको एक्यूरेट बताऊं तो ब्रेव मतलब बहादुर देखो होता है और साजो करेज का मतलब जो एग्जैक्ट सही ऑप्शन है वो कौन सा है ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट होगा क्या होगा वेलर अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का क्या है डिजेक्शन डिजेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे उदासी होता है होता है उदासी ठीक है तो उदासी क्या यहां पे है कुछ का मतलब उदासी तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं जो चारों नीचे ऑप्शंस आपको दिए हैं उनमें से क्या है एक सही इसका जो है सही ऑप्शन है आ, हमको क्या है सही ऑप्शंस को ढूंढना है इसमें से तो पहला क्या है डिफीट बी क्या है डिस्पॉन्डेंसी एंड सी क्या है डिप्रेशन एंड डी क्या है फ्रस्ट्रेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी होगा डिस्पॉन्डेंसी तो अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है डिलाइटफुल डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है प्रसन्न होता है तो इसमें देखो जो ऑप्शन गए काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हैं इनमें से जैसे लगेगा कि हाँ मतलब सभी सही हैं तो लेकिन आपको जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो इसके हिसाब से सही बैठता है आपको उसको बताना है तो पहला क्या ऑप्शन है हैप्पी एंड बी क्या है इन्जॉयबल सी क्या है चार्मिंग एंड डी क्या है प्लीजिंग तो अब देखो हैप्पी भी होता है खुश होता है इन्जॉयबल का मतलब भी होता है कि मतलब से आप मतलब किसी चीज़ को लेकर खुश हो आप इन्जॉय कर रहे उस चीज़ को लेकर चार्मिंग का मतलब भी वही प्लीजिंग मतलब भी होता है खुश होना तो जो यहाँ पे डिलाइटफुल का जो मतलब अप्रोप्रिएट अगर मैं आपको मीनिंग बताऊँ तो क्या है प्लीजिंग प्लीजिंग और क्या है डिलइटफुल आपस में क्या है सिनोनिम्स हैं बाकी ऑप्शन भी ठीक हैं बट जो मतलब तीनों ऑप्शन भी ठीक हैं बट जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन है क्या है वो हो? डी होगा प्लीजिंग उसके बाद है क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में क्या है डिमोलिश डिमोलिश का मतलब क्या होता है ध्वस्त ठीक है ध्वस्त करना तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है डिस्ट्रॉय सेकेंड ऑप्शन है फील डाउन सॉरी फिल डाउन एन सी क्या है डिफेस एंड uh, जो फोर्थ है वाइप आउट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे यहाँ पे जो सही ऑप्शन लग रहा है वो फर्स्ट होगा क्या होगा डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है डिमोलिश वही ध्वस्त करना अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन क्या है डिस्पाइस डिस्पाइस का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है घृणा करना किसी से हेट करना ऑप्शंस क्या क्या है Heart, क्या है Hated, hate, like तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी होगा हेट हेट का हेट का, का भी क्या मतलब होता है घृणा करना और डिस्पाइस का मतलब भी क्या होता है घृणा करना तो दोनों के जो है एक मतलब होते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है वो हो? बी होगा हेट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा क्या ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेस्टीट्यूट डिस्ट्रिट्यूट का मतलब क्या होता है जैसे हिंदी में आपको मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है निराशित क्या होता है निराशित अब ऑप्शंस क्या-क्या है मदरलेस फादरलेस orphan एंड widow widow का मतलब क्या तो क्या है 28 ना तो 28 का जो तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे orphan होगा orphan का मतलब क्या होता है अनाथ होता है तो और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है निराश्रित मतलब जिसके मतलब से माँ बाप ना जिंदा हो मर गए हों तो उस उन बच्चों क्या बोलते हैं कैसे होते हैं अर्फन होते हैं अनाथ होते हैं डेस्टिट्यूट तो ये तो हो गया डेस्टिट्यूट की सिनोनिम्स क्या हो गया अरफन तो देखो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं हमारे अगर क्वेश्चन में आपको अर्फन दे दिया है और ऑप्शन में डेस्टिट्यूट दे दिया है तो आपको जो ऑप्शन पढ़ रहे हो आप उसको ध्यान से पढ़ो कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है इसको मैंने आपसे पहले बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप इसको लिखते चलो ताकि आपके लिए जो है प्रॉब्लम आगे ना क्रिएट हो अब अगला क्वेश्चन है क्या है डिट्रीमेंटल तो डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है हानिकारक होता है क्या होता तो है मतलब? हानिकारक ठीक है तो क्या होता है हानिकारक तो इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार 29 के कौन कौन से ऑप्शंस हैं तो पहला क्या है लॉस सेकंड है डिजीज सी है यूजफुल एंड डी क्या है हार्मफुल तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 29 का जो है वो डी होगा हार्मफुल तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे का अगला क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी थर्टी तो थर्टी क्या है यहाँ पे जो इसका डेक्सट्रस डेक्सट्रस का अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है निपुण होना ठीक है क्या ना निपुण तो ऑप्शन क्या क्या है क्लेवर वाइज इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट तो थर्टी का जो है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बी होगा वाइज वाइस का मतलब भी क्या होता है बुद्धिमान होता है या निपुण हो कह सकते हो आप एंड कुछ मतलब जो डेक्सट्रस है डेक्सट्रस का मतलब भी क्या होता है निपुण होता है तो दोनों का क्या है सेम मतलब होता है तो क्या है आपस में कुछ के सिनम सेम तो आज हम लोगों ने क्या क्या, क्या पढ़ा सिनोनिम्स सिनौनि, पढ़ा है और ये सिनोनिम्स जो आज हमने पढ़े काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक जो है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग इसको जो है एक कॉपी पेन पे लेके लिखते चलो ताकि चीज़ें आपको याद होती चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा तो आज फिलहाल हम जो हम लोग जो है इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बाकी हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में तो फिलहाल आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो